यहाँ किसी का कोरोना नहीं है, सरकार कुछ कोरोना कम है, लेकिन सरकार हमारे को ज्यादा बेवकूफ़ बढ़ा नहीं कि सरकार लोगों को तंग कर रही है, सरकार के तो खिलाफ ही है गांव सारा ही। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और आज हम गांव समैन के अंदर हैं। गांव समैन ने पहले भी एक ऐलान किया था, 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, कहा था कि आगे आने वाली सभी जयंतियां व त्यौहार पूरा गांव मिलकर मनाएगा। तो आज धन्ना जाट की जयंती है और वो पूरे का पूरा गांव मिलकर मना रहा है। तो आइए जानते हैं धन्ना जाट के बारे में। और सर नमस्कार। नमस्कार जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर आज जो ये प्रोग्राम किया है, क्या पर्पज है, किस अवसर पर किया है और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये जी सारा काम सत्कार योग नगर गांव समैन की संगत ने, जो श्रोमणी भगत हैं भगत धन्ना जाट जो उसका जन्म दिहाड़ा मनाया है और आज रामनवमी भी है, सो सारी गांव समैन तै धन्ना भगत की और रामनवमी की लख लख मुबारक, लख लख बधाई। जो धन्ना भगत का जन्मदिन मनाया गया है उसके श्री गुरु ग्रंथ साहब में शब्द भी हैं गुरबाणी में, जिस तरह धन्ना भगत जी लोगों का समझावै भी अपना घर में रह के भक्ति किस तरह करनी है, किस तरह नाम जपना, किस तरह काम धंधा करना, जो भी आप इस हिंदी में कह दें भगत धन्ना जी का वचन है गुरु ग्रंथ साहब में 695 नंबर पेज पर, धन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके का सवारता, दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करन इत जियो, पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। मतलब इस शब्द में धन्ना ने सारी घर की जो लोड़ दी चीज़ है, जिसकी चीज़ की लोड़ आम एक आम आदमी की लोड़ होवे, मैं सारी बिताई हैं भी हे गोपाल परमात्मा मैं तेरा लोड़ बंधु, जो भी तेरा नाम जब उसके तो काम संभारा है, हर युग में भगत हो या हर युग में भगतों के परमात्मा ने काम संभारे हैं और भी आगे भी होंगे। तो देखा दोस्तों, बताया गया है कि धन्ना एक भक्त के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भक्ति करके गुरु ईश्वर को रिझा लिया था और उनको भोग करवाया था, राशन खिलाया था, मजबूर हो गए थे गुरु भी आने के लिए। तो और भी हमारे साथ गांव के व्यक्ति मौजूद हैं, जत्थेदार हैं, यहां पर इनसे बात करेंगे। सर आप बताएं ये प्रोग्राम जो कि आप कब से कर रहे हैं? ये 2 साल पहले भंडारा लगा था गुरु धन्ना भगत जी का और बीच में लॉकडाउन करके 1 साल नहीं लगा पाए थे और ये गुरु महाराज से कृपा है कि हर साल भंडारा लगवाए और पूरा गांव ने मिलकर ये भंडारा लगाया है पूरा नगर से पूरा गांव समैन की तरफ से। तो ये हमारे साथ जत्थेदार थे, गांव के लोग भी मौजूद हैं। सर आइए आप बताइए कि पूरा गांव आज यहां मौजूद है, पीछे भी हमने देखा था 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती थी उस पर भी पूरा गांव मौजूद था, क्या कहेंगे? देखो आज हमारे गाँव समैन में गुरु धन्ना भगत जी की जयंती मनाई गई है, यहाँ खंड पाठ भी कराया गया है, 3-4 दिन से लगातार चलता रहा यहाँ पाठ और अब हम यहाँ धन्ना भगत जी की मूर्ति रखी है जो हमारी यहाँ चौक पर, यहाँ भंडारा का आयोजन शुरू किया हुआ है गांव की तरफ से और सभी दोस्तों को, सभी बुज़ुर्गों को, सभी बच्चों को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ गुरु धन्ना भगत जी की, ये सबके दाता थे, हम इनका हर साल यहाँ भंडारा लगा के जन्मदिन मनाते हैं। देखो कोरोना काल तो समझ में नहीं आ रहा हमारा देहाती लोगों का, यहाँ किसी का कोरोना नहीं है, सरकार कुछ कोरोना कम है लेकिन सरकार हमारे को ज़्यादा बेवकूफ़ बढ़ा रही है, कहाँ पिटाई कर रही है मास्क के बगैर, कहाँ कुछ कर रही है, बीमारी तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि सरकार लोगों को तंग कर रही है। कोरोना को देखते हुए तो हमने यहाँ पब्लिक बल के थोड़े थोड़े करके लंगर किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया भीड़, थोड़ा थोड़ा सुबह से लास्ट तक लंगर चलता रहेगा, यानी कि एकदम ज़्यादा व्यवस्था नहीं की आदमियों की, कम से कम का है 50-60 का लंगर का है, बाकी फिर 50-60 का इस तरह है, भीड़ नहीं की है उसको देखते हुए कोरोना को। तो आगे की क्या प्रोग्राम रहेंगे, आगे जो गांव है जिस तरह के बताया आपने इकट्ठा सभी प्रोग्राम मनाता है, आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह रहेगा? आगे तो जी देखो गाँव की कोई भी है, गाँव की राय एक ही है, चाहे वो किसी का भी जन्मदिन है, चाहे कोई भी जयंती आवे या कोई भी आंदोलन का काम है, सरकार के तो खिलाफ ही है गांव सारा ही, सरकार के खिलाफ शुरू से बयान भी दिए हैं, पोस्टर भी लगाए गए थे कि गांव में यहां राजनीतिक ना घुसे कोई भी,
आज इस तरह जयंती मनाई है गुरुदन्ना भगत की, यहाँ भी कोई लीडर को बुला सकते थे, लेकिन गांव में कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक मंच पर या जयंती पर नहीं आएगा, इसलिए हमने आज भी कोई लीडर यहाँ नहीं बुलाया है। ये हमारे ग्रंथी आए हुए हैं टुहाना से, माणी से, फतेहपुरी से, आसपास से, सरेदाताड़ा से, सभी आसपास से बुलाए हमने ग्रंथी। इनके सहयोग से हमारा हर बार जन्मदिन यहाँ गुरुदन्ना भगत जी का मनाया जाता है। जो गांव के आदेश हो गए मिलजुल के वही आगे चलता रहेगा। धन्यवाद सर। तो देखा आपने आसपास के गांव के लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, लेकिन कोई भी राजनेता जयंती पर नहीं बुलाया, ये गांव की कंडीशन थी। आगे भी किसी भी राजनेता को ये नहीं बुलाएंगे, क्योंकि गाँव ने एकता की है कि पूरा का पूरा गाँव हर जयंती खुद मनाएगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता को ये जयंती पर नहीं बुलाएंगे। तो आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।